में है बॉलीवुड एक्ट्रेस इंद्रेश मलिक, जो कि सीरीज हीरा मंडी में नजर आए हैं, और उन्होंने सीरीज में उस्ताद जी का किरदार बड़े ही शानदार तरीके से निभाया है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। इंद्रेश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके किरदार की तारीफ हर जगह हो रही है। आई थिंक आपके किरदार ने दूसरे किरदार को एक तरीके से फीका कर दिया है। तो इन दिनों आपको आपको कैसे रिव्यूज मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर, या तो कहीं आप सोशल प्लेस पे जा रहे हैं वहां पर? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा कि आपने मेरे इस किरदार को पसंद किया। इट्स अ टीम वर्क, फीका किसी को नहीं किया है, ना कोई फीका हो रहा है। अगर ये प्रॉपर टीम ना होती, संजय लीला भंसाली जी का विजन ना होता और बाकी जो नामचीन बड़े बड़े फेमस कलाकार हैं उनका साथ ना होता, तो हीरा मंडी मुकम्मल कैसे होती। द म्यूजिक, द टेक्नीशियंस, डीओपी हमारे सुदीप जी, द डायरेक्शन टीम, मिताक्षरा, विभूपुरी, आशना, वामा, डोयल, सिमरन, स्नेहिल, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इसमें, और अभिरुचि। तो एक पूरा जमावड़ा था जो मिलजुल के एक कैरेक्टर को क्रिएट करता है। हमारे डिक्शन कोच जो थी मुनीरा सूरती जी, प्रोडक्शन कंप्लीट, एंड अबव ऑल संजय लीला भंसाली, उनका विजन। तो इट्स अ टीम वर्क, एक आदमी का काम नहीं है ये। इस सीरीज में जो उस्ताद जी है, उसका जो किरदार है वो एक समलैंगिक इंसान का है। तो आपको जब ये एक कैरेक्टर ऑफर हुआ, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कि आप तैयार थे, कि आपके मन में थोड़ा ये कुछ क्वेश्चन थे, पता नहीं कैसा क्या होगा, दर्शक पसंद करेंगे या नहीं? कोई सवाल नहीं था। एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग रोल था ये, और रिलीज होने के बाद जो फीडबैक मिला, जो लोगों का प्यार मिला, वंस अगेन आई एम रियली रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। उम्मीद नहीं थी, पर जब कैरेक्टर के बारे में ब्रीफिंग हुई, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग एजेंसी। श्रुति महाजन जी ने मुझे, उनके ऑफिस से फोन आया। पहले गंगूबाई करी थी, दिस इज सेकेंड प्रोजेक्ट विद संजय जी, तो उनके यहाँ से जो महिला ब्रीफ कर रही थी, विद इन अ मिनट मैंने उनको बोला ये कैरेक्टर मैं ही करूंगा, ये मेरे लिए बना है। 16 कला संपूर्ण, कौन सा शेड नहीं है, खाली समलैंगिक या स्त्रैण या इफेमिनेट नहीं है। अगर आपने हीरा मंडी देखी है पूरी, कौन सा इमोशन, कौन सा विजन, कौन सा लेयर उस कैरेक्टर ने नहीं पोर्ट्रे किया। सो यू नो जस्ट काइंड ऑफ मार्किंग हिम एज अ समलैंगिक, खाली एक चीज नहीं है उस कैरेक्टर में, बहुत कुछ है। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि सीरीज को दर्शकों का काफी अच्छा प्यार भी मिल रहा है, तो इस जी सीरीज को मेकर्स ने थिएटर में रिलीज क्यों नहीं किया? सर, ये तो मेकर्स बताएंगे ना, ये तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो ही बताएगा। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जैसे मर्जी बनाऊं, जहां मर्जी उसको खड़ा करूं, एम आई राइट। जी, आप संजय लीला भंसाली की जो फिल्म है गंगूबाई में नजर आए, उसके बाद आप फिर हीरा मंडी में आप नजर आए, तो हम ये समझें कि आप आगे चल के संजय लीला भंसाली जी की तीसरी कोई प्रोजेक्ट में भी नजर आने वाले हैं? मैं उनका फैन हूं और हमेशा रहूंगा, और कौन नहीं है, क्यों नहीं चाहूंगा कि हर प्रोजेक्ट जब तक मैं जिंदा हूं वो मुझसे कराते रहे, मैं करता रहूंगा। पर इंद्र जी, सूत्रों से हमारे पास खबर थी कि जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था, तो इट वाज वेरी स्मॉल कैरेक्टर, कुछ 20-25 दिन का शूट था, फिर वो धीरे 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 आपका किरदार बढ़ता गया, उसके पीछे की कहानी क्या है? एक तो ये सूत्र लफ्ज मुझे कम समझ आता है। एनीवेज ये तो खुली किताब है कि 20-22 दिन का मेरा काम था, और फिर ये कहानी मोइन बेग जी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। मोइन बेग जी का कॉन्सेप्ट है, सर का इसमें जो विजन था उनके हिसाब से ये कैरेक्टर वो बढ़ाते चले गए, एक सूत्रधार की तरह हो गया। और कोई कहानी नहीं है, शायद मेरा काम जायज लगा होगा, ठीक लगा होगा, मैं पूरी इन टोटालिटी जो प्रोजेक्ट है उनके विजन में कहीं फिट बैठ गया हूंगा कि ये सूत्रधार का काम कर सकता है। अगेन आई विल से इट्स अ टीम वर्क, सो कोई कहानी नहीं है, जस्ट जस्ट वेंट विद द फ्लो। सीरीज में मनीषा कोइराला हैं,
सोनाक्षी सिन्हा है, संजीदा शेख है, अदिति राव है, ये काफी लंबी कास्ट है। आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रहती थी? और सोनाक्षी के साथ तो आपका एक सीन भी, इंटीमेट सीन, जयशंकर शाह के साथ भी आपका एक सीन, तो उसके बारे में कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बॉन्डिंग तो सबके साथ बहुत अच्छी रही, और बिना बॉन्डिंग के इस तरह का आ, आ, माहौल क्रिएट करना और इस तरह की, इट्स एक्टिंग इज ऑल गिव एंड टेक, यू नो, आप जी एक्शन रिएक्शन, डायरेक्टर साहब का विजन, बहुत सारे लोगों की मदद, फ्रॉम द लाइट मैन, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। तो सोनाक्षी जी के साथ सीन थे, बहुत ही उच्च कोटि की कलाकार है, बहुत फेमस है एंड बहुत नॉलेजेबल है, पेशेंस बहुत है, तो उन्होंने कंफर्ट जोन दिया और इतना इंटीमेट नहीं था जितना इसको बताया जा रहा है। इट वाज जस्ट दैट शी वांटेड टू हग मी और ग्रैब मी, वो एक सीन था मोहब्बत से, वो मुझे पकड़ना चाह रही है और मैं भाग जाता हूँ। बड़ी खूबसूरती थी कि मैं नर्वस था थोड़ा सा पर और सूत्रों से मुझे यह भी प्रतीक, खबर है कि उनकी माँ भी थी उस टाइम, पूनम पूनम जी, शूट के समय। पूनम जी शूटिंग के समय जरूर आई थी, बट मेरे ख्याल से वो थी उस दिन और शी वॉज देयर ऑन द सेट, और अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत रहा और फ्लो में चला गया। मैं तो चूंकि उतना नामचीन और बड़ा कलाकार नहीं हूं, तो मुझे कंफर्ट जोन बहुत दिया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम दैट दे मेड मी फील इजी, और फिर वो फ्लो में निकल गया सीन। हाँ, जेसन शाह का जहां तक सीन का सवाल है, अमेल कमिंग टू अमेल सो क्लोज हैज नेवर हैपेंड विद मी, तो फिल्मों में तो बिल्कुल ही नहीं और बाहर भी कभी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं। और वो सीन में ये था कि वो मुझे सिड्यूस कर रहे हैं और मैं सिड्यूस हो रहा हूँ, और फिर हमने 40-45 मिनट वी सैट इन आवर वैनिटी वैन एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द सीन, मी एंड जेसन, एक कंफर्ट जोन भी आया एंड वी वॉन्टेड टू गिव आर बेस्ट, और संजय सर ने एक फ्रीडम भी दी कि आप फैल जाएं, अपना इम्प्रोवाइज करें विद इन द प्रोटोकॉल ऑफ द कैरेक्टर एंड द सीन, उससे बड़ी मदद हुई। सो आई कुड यूज अ लॉट ऑफ माई ओन डायलॉग्स एंड वी प्लेड इट एंड संजय जी लव्ड इट, अच्छा रहा। सीरीज में जो डिक्शन, इट्स उर्दू डिक्शन, तो आपने ये उर्दू कैसे, क्या आपने डायलॉग्स की तैयारी की, क्या आपने पहले से कुछ आपकी वर्कशॉप्स हुई थी, या आपने उर्दू क्लासेस ली थी? तुगलक एक फेमस एक किताब है, तो या तो आपने तुगलक पढ़ा। नहीं, मुझे मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं फ्रॉम बोथ द साइड, पैटर्नल एंड मेटर्नल बोथ द साइड्स, दे हेल फ्रॉम माय फोर फादर्स आर फ्रॉम लाहौर, सरगोधा एंड रावलपिंडी, ओ तो बचपने से ज और ज का जो फर्क था, उर्दू का नुक्ता, तलफ्फुज जो था नुक्कान में वो था, दादाजी यूज टू रीड अ लॉट ऑफ उर्दू, दादी माँ वॉज अ प्रिंसिपल रिटायर्ड एंड शी यूज टू टीच बिफोर, यू नो, 1940s शी वॉज अ टीचर, और पाकिस्तान जी हाँ, ओ तो वो पढ़ाया करती थी, वेल रेड खानदान था, तो बचपने से एक उर्दू की समझ रही भी, और फिर मेरे जब स्कूल कॉलेज गया, कॉलेज गया तो मेरे एक दोस्त हैं पेरी प्यारे मोहन जोशी, उनके पिताजी श्याम मोहन जोशी, उनसे मुझे बारीकियां सीखने को मिली उर्दू की। फिर मैं पोएट्री पढ़ता रहा, उर्दू पढ़नी लिखनी तो नहीं आती है, बोलनी और थोड़ी जी समझनी आती है, वो भी पूरी नहीं, सीखने के लिए पूरी जिंदगी कम होती है। तो जो मेरे ये दोस्त रहे पेरी एंड इनके पापा श्याम मोहन जोशी, अब तो वो नहीं है श्याम साहब, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया उर्दू के बारे में, एंड आई विल रिमेन थैंकफुल फॉर एवर। आज भी कहीं अटकता हूँ तो पेरी को फोन करता हूँ कि अंग्रेजी में ये लफ्ज कहीं क्या सही मायने होने चाहिए, और थैंक यू पेरी एंड थैंक यू श्याम मोहन जोशी, परीना तुझे वैसे ही थैंक जैसा कि हम सुनते हैं कि संजय लीला भंसाली ऑन द सेट इज वेरी स्ट्रिक्ट अपने पर्टिकुलर है हर एक सीन को लेकर, तो ऐसा कोई मोमेंट आया जब आप कुछ डायलॉग्स भूल गए हो, या तो किसी एक डायलॉग की वजह से आपको कुछ इन शॉर्ट डांट पड़ी हो, ऐसा कुछ मोमेंट आया? मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है कि मैंने संजय जी से भरपूर प्यार पाया है, वो स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर हैं, यस, उनमें जुनून है, उनका विजन है, पैशन है, और जब तक वो अपनी पसंद का टेक नहीं पाते हैं
तब तक ओके नहीं करते हैं, इसीलिए वो जीनियस कहलाए जाते हैं और इसीलिए सारी दुनिया उनकी फैन है। और मेरी भी जिद थी कि मुझे उन्हीं के साथ काम करना और बहुत कुछ सीखना है। ही एक्चुअली ही टेम्स यू, वो आपको तराशते हैं। सो आई सरेंडर्ड, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मुझे डांट कभी नहीं पड़ी, ये मेरी किस्मत कह लीजिए। हाँ, ओ में रहता था उनकी, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा, पर उनको खुले तौर पे जाके कह दिया कि सर मुझसे आप बताएं क्या चाहिए, मुझसे मैं क्या डिलीवर करूं, जब तक मैं आपकी आंख नहीं समझूंगा मैं डिलीवर कैसे करूंगा। और कंप्लीटली एक ओपन एटीट्यूड के साथ मैंने उनके साथ उनके उनसे बात की और खुल के समझाया उन्होंने मुझे कि आप हिच नहीं करें, आप ऑ में ना रहें, और बहुत कंफर्ट जोन देते थे मुझे। मुझे इम्प्रोवाइज करने की इजाजत मिलती थी और उसे एक्सेप्टेंस भी मिलती थी, लव्स न्यूआंसेस इम्प्रोवाइजेशन अदरवाइज लफ्जों में भी, और मेरी मेरी सलाह को मानते भी थे और बड़ा बड़े खूबसूरती से वो एक चीज क्रिएट कर देते थे, अब इतनी मुश्किल बड़ी नहीं आया। सीरीज जी इतनी बड़ी आप सीरीज करने के बाद क्या आपने बॉलीवुड करियर में कुछ अंतर देखना है, या तो आपको कोई फिल्म या सीरीज ऑफर हुई अभी? साहब मैंने कुछ भी साइन नहीं किया अभी, थोड़ा मापदंड बड़ा है, उम्मीदें भी लोगों की बड़ी है, और मैं भी चाहता हूं कि उन उम्मीदों पे खरा उतरूं और खुद से भी ऑनेस्ट रहूं कि मैं जो अब करूं तो एटलीस्ट इसको अपना कर पाऊं तो उतना तो कर ही दूं कि वो बेरेबल हो। और डाउन साउथ आई थिंक कुछ लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं और मेरा काम भी पसंद कर रहे हैं, तो साउथ में भी क्यों नहीं करूंगा। मेरे यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत नामचीन और बहुत दिग्गज लोग हैं जिनके साथ अभी बहुत सारा काम करना है और बहुत कुछ सीखना है। अगर कोई फिल्म मेकर, दिस माय लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई फिल्म मेकर आपको ऑप्शन दे तो आप किस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे इन फ्यूचर? सिंगल ऑप्शन के बहुत सारी ऑप्शंस दे सकते, जी मैं चलो तीन ऑप्शंस देता हूं आपको, उनमें से कोई एक। तीन तो बहुत मुश्किल है। करीना आप आ करीना कैटरीना आलिया, एक कोई ऑप्शंस आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मतलब इन तीनों में से, तो मैं तीनों के साथ क्यों नहीं, आलिया जी के साथ डेफिनेटली आई हैव डन गंगूबाई, और फैंटास्टिक एक्ट्रेस करीना जी अनदर फेवरेट, मैं बहुत पसंद करता हूँ एज एन एक्टर उनको, और बड़ा शानदार काम करती हैं, बहुत ही टैलेंटेड अभिनेत्री हैं। कतरीना जी ऑल्सो कमाल का काम करती हैं, और क्यों नहीं काम करना चाहूंगा, अगर मौका मिले तो, एक मुनासिब रोल मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा, दीपिका जी के साथ जरूर करना चाहता हूँ। इंद्रेश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित जी, आपने मुझे बुलाया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस इंद्रेश मलिक, जो कि सीरीज हीरा मंडी में उस्ताद का किरदार निभाकर हर किसी के दिल में बस गए हैं। बस गए मैं ये कहूंगा। आज के लिए बस इतना ही।